दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि फ्री फायर की फाइल कैसे सेट करें। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि फ्री फायर आपका नहीं ओपन हो रहा है तो उसे आपको कैसे सही करना है। जी हाँ, उसकी फाइल को कैसे सही करना है। आप फाइल में एरर आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है फाइल में, आपका जो फ्री फायर है ओपन नहीं हो रहा है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका फ्री फायर ओपन हो जाएगा, वो भी ईजिली तरीके से। जी हाँ, अगर आपने कहीं से शेयर पर लिया है, यानी कि सेट तो बंद हो गया, जेंडर भी बंद हो गया, जैसे अब बहुत से हैं इट आ गया है और आपका गूगल फाइल आ गया है, जितने भी अभी नए नए आए हैं उनसे आपने शेयर किया है, तो किस तरीके से आपके फ़ोन में आके फिर भी नहीं खुल रहा है, इसका पक्का सॉल्यूशन मैं लेके आ चुका हूँ। हेलो नमस्ते, मैं विमलेश आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ऑफिशियल विमलेश में स्वागत करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं किस तरीके से फ्री फायर की फाइल सेट करनी है आपको। दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सीधा आपको फाइल मैनेजर में आ जाना होगा। आपके फ़ोन में ही फाइल मैनेजर होता है, जैसे कि ये देखो रहा, ठीक है, यहाँ पर फाइल मैनेजर इस तरीके का खुलेगा आपका। यहाँ पर आपको नीचे मिल जाएगा फोन स्टोरेज, ठीक है, यहाँ पे फोन स्टोरेज पे इस तरीके से टैप कर देना होगा। फोन स्टोरेज पे जब आप टैप करोगे तो यहाँ पे आपको जैसे आपने जिस भी ऐप से लिया है, ठीक है, उसका फोल्डर एक बन जाता है इसमें ही, ठीक है। अगर आपने गूगल फाइल से लिया है तो आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, इसमें डाउनलोड के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे आ जाएगा ब्राउज़र के जस्ट नीचे रिसीव का, रिसीव के ऑप्शन पे जैसे ही आप टैप करोगे इसके अंदर आपको फ्री फायर मिल जाएगा आपका, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये देखो फ्री फायर रहा, ठीक है, तो यहाँ पर ये फ्री फायर रहा, इसे आपको इंस्टॉल कर लेना होगा, ठीक है। इसे आप जैसे ही इंस्टॉल करोगे, यहाँ पर इंस्टॉल कैसे करोगे तो यहाँ पर हम बता दें आपको, ये देखो इंस्टॉल वाला बटन है, यहाँ पर क्लिक करोगे इंस्टॉल होने लगेगा, ठीक है। ये सब यहाँ से करने के बाद अब आपको क्या कर लेना होगा, यहाँ पे ये देखो फाइल है, ठीक है, ये फ्री फायर की फाइल है, जैसे कि ये देखो, तो इस फ्री फायर की फाइल को आपको क्या कर लेना होगा, कॉपी कर लेना होगा, ठीक है। यहाँ पे कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे क्या कर लेना, ऑटोमेटिक खुलेगा दूसरा फोल्डर, इस तरीके से खुल के आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एंड्रॉयड में जाना है, एंड्रॉयड में जाने के बाद अब आपको क्या करना है, एंड्रॉयड में जाने के बाद OBB में जाना है, OBB जाने के बाद यहाँ पर उस फाइल को क्या कर देना है, कॉपी कर देना है, यहाँ पर पेस्ट कर देना है आपको, ठीक है। यहाँ पर कॉपी टू हेयर लिखा है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे वो फाइल बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, जैसे कि यहाँ पे क्लियरली आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इस तरीके से मैं वापस आता हूँ, तो यहाँ पे जब पेस्ट कर दोगे आप, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल ईजिली तरीके से बता दूँगा, जैसे यहाँ पे ये पेस्ट हो गई, ये देखो OBB फाइल आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ये देखो आ गई है। तो यहाँ पे जब भी आप किसी भी अपने दोस्त के फ़ोन से फ्री फायर लें, यानी कि फ्री फायर वो शेयर करेगा तो आपके फ़ोन में जब आएगा तो वहाँ पर आपको उससे ये कह देना है, भाई पहले अपडेट कर लो उसके बाद मुझे शेयर करो, क्योंकि अपडेट वो कर लेगा तो आपको अपडेट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो ये होता क्या है, आप अगर अपडेट करके नहीं लोगे तो आपको अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, जैसे कि ये COM यानी कि com.dts.freefire.th, ठीक है, ये नेम होना चाहिए फाइल का। यहाँ पे बाद में जो कि यहाँ पे हो जाता है नेम चेंज करने के लिए, बहुत कुछ यहाँ पे हो जाता है, यानी कि 1, 2, 3, 4 भी हो जाते हैं, तो आपको यहाँ से रीनेम करके यहाँ पे ये लिख देना है, जैसे यहाँ पे लिखा है com.dts.freefire.th, ठीक है, बाद में TH लगाना। यहाँ पे आप सेव करोगे और सीधा आपका फ्री फायर ओपन होना लगेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे फ्री फायर हमारा ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसा कि दोस्तों ये देखो फ्री फायर रहा, तो हम इसे ओपन करते हैं इस तरीके से मैंने यहाँ पे ओपन किया और आपके सामने थोड़ी बहुत देर में, जैसे कि ये डू नॉट डिस्टर्ब की यहाँ पे वो सेटिंग आ जाती है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं थोड़ी बहुत देर में यहाँ पे हमारा फ्री फायर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा बहुत वेट कर लें, क्योंकि आपको भी यहाँ पे जल्दबाजी में नहीं रहना है। यहाँ पे जैसे ग्रेना आ चुका है, जैसे कि आपके सामने, ठीक है, यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा, जैसे कि आपके सामने ये देखो लोडिंग होगा और इस तरीके से थोड़ी बहुत देर में ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वॉइस कम कर लेते हैं, इस तरीके से वॉइस कम कर दी मैंने, यहाँ पे इसकी वॉइस कम कर दी, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये लोडिंग होगा और थोड़ी बहुत देर में ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये लोडिंग होकर स्टार्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो दोस्तों आसानी से आप अपने फ्री फायर को इस तरीके से कर पाए होंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आई होगी। यहाँ पर टॉप टू बिगिन पर क्लिक करोगे, इस तरीके से ये ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसा कि दोस्तों आपके सामने ये देखो इंटरफेस नज़र आ रहा है। तो ईजिली तरीके, सिंपल तरीके से आप कर पाओगे अपनी फ्री फायर की फाइल को सेट और फ्री फायर को अच्छे से। दोस्तों और भी कोई फ्री फायर से संबंध आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं मिलता हूं फिर से एक नई वीडियो लेके आपके लिए, तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।